भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अपने गानों, अपने फिल्मों और अपने परफॉर्मेंस को लेकर काफी चर्चा में और सुर्खियों में रहते हैं। यही नहीं, पवन सिंह अपनी बातों और अपने विवाद भरे अंदाज को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। वैसे आप इनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा इनके स्टेज शो से लगा सकते हैं। अगर इनका स्टेज शो यूपी बिहार में कहीं भी होता है तो लोगों की भीड़ नहीं, लोगों का हुजूम वहां पहुंचता है, और आपने कई ऐसे इंटरनेट पर वीडियोस देखे भी होंगे। अब पवन सिंह इतने लोकप्रिय जो हैं, अब जिस इंसान की लोकप्रियता इतनी होती है उसके साथ कोई ना कोई विवाद जरूर जुड़ जाता है, और पवन सिंह के साथ भी एक ऐसा विवाद है जो लंबे समय से उनके साथ चलता हुआ आ रहा है। भोजपुरी की एक फेमस एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, जी हाँ, अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर हमेशा इंटरनेट पर बवाल दिखता रहता है। हाल ही में पवन सिंह का एक इंटरव्यू भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने और अक्षरा सिंह के रिश्ते को लेकर खुलकर बात करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, खुलकर वहां पर उन्होंने हर एक बात को रखा कि कैसे उनकी अक्षरा सिंह से तनातनी बढ़ी, कैसे वो अक्षरा सिंह से दूर हुए और क्यों हुआ ऐसा। तो चलिए आपको इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में, मैं आपके साथ कुणाल। पवन सिंह की लोकप्रियता आज पूरे भारत में है, या कहें विश्व में भी है। इनके गाने हमेशा वायरल होते रहते हैं, उस पर लाखों करोड़ों व्यूज भी आते हैं और लोगों को ये काफी पसंद भी आते हैं। लेकिन पवन सिंह जितने फेमस हैं उनके साथ एक विवाद भी जुड़ रखा है, और विवाद है भोजपुरी की एक फेमस एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का। दरअसल शुरुआती दिनों में अक्षरा सिंह और पवन सिंह काफी साथ रहते थे। इनकी परफॉर्मेंस को, इनकी जोड़ी को लोग काफी पसंद किया करते थे। लोग चाहते थे कि दोनों एक ही साथ गाने में रहे, एक ही साथ फिल्मों में रहे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और दोनों के रास्ते अलग हो गए। कुछ समय पहले अक्षरा सिंह का भी एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने पवन सिंह पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए थे। आरोपों में बहुत आरोप थे, जैसे कि पवन सिंह ने उनसे कहा था कि एक स्टैम्प पेपर लेके आओ, और उस स्टैम्प पेपर में ये लिखा हुआ था कि तुम कभी मेरे प्रॉपर्टी पे और कभी मेरे किसी भी चीज में दखलंदाजी और हिस्सा नहीं मांगोगी। अब इसी आरोपों पर पवन सिंह ने जवाब दिया है अपने हाल ही के इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या ये सच्चाई है इस बात में कि आपने स्टैम्प पेपर मंगवाया था, उसमें लिखा हुआ था ये चीज कि आप मेरे कभी प्रॉपर्टी में या कभी किसी चीज में हिस्सेदारी नहीं मांगेंगे। तो पवन सिंह ने इसका बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि जी हाँ, ये सत्य था, स्टैम्प पेपर था, उस पर ये सारी बातें भी लिखी हुई थी, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि मेरे परिवार वाले मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में चिंता करते हैं। मेरे परिवार वाले ये सोचते हैं कि मैं किसके साथ बैठ रहा हूँ, किसको मैं अपने साथ बैठने दे रहा हूँ। तो ये सब चीजें परिवार के लिए होती, और ये इस बात पर उन्होंने मुहर भी लगाई पवन सिंह ने कि ये स्टैम्प पेपर वाली बात सत्य थी। इसके बाद इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको कभी अक्षरा सिंह से प्यार था। इस पर पवन सिंह जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं कभी भी उस इंसान से मिलता नहीं हूं, ना ही बात करता हूं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जो मुझसे गद्दारी करता है। मतलब पवन सिंह ने बातों बातों में कह दिया कि जिस इंसान ने मुझसे गद्दारी की मैं उसके साथ कभी नहीं रहता, यानी समझदार को इशारा ही काफी है। इसके बाद इंटरव्यूअर ने यह भी पूछा कि आपने अक्षरा सिंह की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा अक्षरा सिंह ने अपने पुराने इंटरव्यूज में कहा था कि आपने उनके स्टेज शोज खराब कर दिए, उनको उन्हें मूवी नहीं मिलने के लिए आपने जोर लगाया कि इन्हें मूवी ना मिले, इनके कोई भी गाने रिलीज होते हैं तो उसमें आप अड़ंगा डालते हैं। इस पर भी पवन सिंह ने बात की और कहा कि पवन सिंह क्या इसी दिन के लिए बना है कि वो किसी एक स्टार को, किसी एक एक्ट्रेस की जिंदगी बर्बाद करे, उनके परफॉर्मेंस में दखलंदाजी करे। यहाँ तक कि पवन सिंह ने यह भी बात कबूली कि अक्षरा सिंह को गाना जो सिखाया वो खुद पवन सिंह ने ही सिखाया था, तो क्यों ही वो उसकी जिंदगी बर्बाद करेंगे। मतलब देखा जाए तो पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के सभी आरोपों पर अपना जवाब दिया। तो ये थी वो सारी बात जो पवन सिंह ने इस हाल फिलहाल के इंटरव्यू में अक्षरा सिंह को लेकर कही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम को।